आखिर कब होगा उस बालू माफिया पे कार्रवाई? आखिर उस बालू माफिया को कौन संरक्षण दे रहा है जिसने 3 नाबालिग बच्चियों की जान ले ली? आखिर क्या उस बालू माफिया पे कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होगी तो कब होगी? कौन ठेकेदार था? ठेकेदार था सकलदीप बिन। हम घंटा से अधिक समय हो चुका है इस घटना को घटे हुए, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या लग रहा है मामला दब जाएगा? देखिए क्या होता आगे। ऐसे तो जब होना था तो दूसरा कोई मर्डर होता है ऐसे तो दौड़ना दुर्पत्रत होता है प्रशासन के। अभी तक कहाँ कुछ पता नहीं चल रहा, हमारे गांव में मर्डर हुआ है, समर गया आदमी, कुछ नहीं हुआ, कहाँ कुछ पता चल रहा है। गरीब का बच्चा है इसलिए नहीं पता। कोई राजा का रहता हूँ बच्चा तब तो सब कुछ हो जाता, कल है सब कुछ हो जाता, रोड जाम जो भी करना था जाम कल ही हो जाता सब रियल। सिर्फ इसलिए कि गरीब बकरी चलाने वाली होती, बस बकरी चलने, नॉर्मल परिवार का बच्चा था, उसको आगे जोर ने पीछे पका है, जहाँ तक घर से यहाँ आना था। माँ बाप भी गाय भैंस चलाते होंगे? हाँ गाय भैंस भैंस चलाता है हमारा, घर भी मट्टी का। बिल्कुल माफियाओं ने उस बच्ची की जान ले ली। नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार। आज हम पहुंचे हैं बिहार के क्यूल नदी। जी हां, अगर बात की जाए तो ये बालू माफियाओं के लिए चंबल के समान है। यहां पर दिन दहाड़े बालू की लूट ऐसे की जाती है जैसे चंबल में दिन दहाड़े एक समय में हत्या और अपहरण उद्योग चलता था खुलेआम, और इस अपहरण उद्योग को जिस तरह से वहां के अपराधी चलाते थे उसी के तर्ज पर यहां पर बालू की खुदाई जो है इस तरीके से होती है, खनन विभाग के पदाधिकारियों के संरक्षण में। जी हाँ, जहां पर बालू की खुदाई होनी थी 2 मीटर 4 मीटर, वहां पर बालू की खुदाई होती है 20 मीटर अंदर तक और 40 मीटर अंदर तक, और इसी का परिणाम है कि यहां पर ऐसा ऐसा गड्ढा बना हुआ है। बालू माफियाओं ने ऐसा कब्र खोदा कि उस कब्र में 3 गरीब बकरी चराने वाली लड़कियों का बलि चढ़ गया। और अभी मैं जिस जगह पर हूं, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे किस तरह से बड़ा बड़ा गड्ढा और पहाड़ों का ऊंचा ऊंचा ये टीला है। ये कभी समतल बालू घाट हुआ करता था, लेकिन बालू घाट की जिम्मेदारी जिन ठेकेदारों को दी गई थी और जिन खनन पदाधिकारियों को दी गई थी, वो खनन पदाधिकारियों ने जम करके यहाँ पर तांडव लूट का मचाया। जी हाँ, दिन दहाड़े लाइसेंस के नाम पर उन्हें चेकिंग करने की जो जिम्मेदारी दी जाती थी कि आइए और चेक कीजिए किस तरह से बालू का उठाव हो रहा है, चेकिंग के नाम पर वो लाखों की वसूली करते थे, और जहाँ पर 2 मीटर बालू खुदाई का होता था वहां पर वो 20 मीटर तक का गड्ढा खदवाते थे, और उसी गड्ढा में 3 बकरी चराने वाली गरीब लड़कियों की बलि चढ़ गई। जी हाँ, बकरी चराने आती है और उसके बाद पैर फिसल जाता है और गहरे पानी में चली जाती है, और जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तो कैसे मौत हुई थी? पैर फिसलने के बाद। कितनी बची थी? 3। 3? 3। कहाँ की थी तीनों? मलिया की। मलिया की। तो क्या लग रहा है, इतना इतना गड्ढा ये सही है क्या? गलत है। गलत है। और आज जेसीबी भी चल रहा है, कल 3 बच्चे की मृत्यु हो गई। तो पहले चलना चाहिए तो बहुत लेट हो गया सर। 3 बच्चे की मृत्यु हो गई उसके बाद जेसीबी चल रहा है। जेसीबी। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदारी खनन विभाग है। तो खनन विभाग के अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? पूरा होना चाहिए। वो तो पैसा लेके चल जाता था। पैसा लेके चल जाता? हाँ, पैसा लेके चल जाता था। उधरे सुधरे उधरे सुधरे देखने भी नहीं आता, देखने भी नहीं आता था, उधरे माने जो था सब। तो सोचिए, लखीसराय में तांडव मचाते हैं लूट का। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल यहां पर 3 बच्ची की मृत्यु हुई तो मुआवजा का भी ऐलान कर दिए, लेकिन कब सरकारी सिस्टम का वो अधिकारी जो यहां पर पैसा खुलेआम लेता था जैसा कि ग्रामीण तथा कथित आरोप लगा रहे हैं, उस पे कार्रवाई होगी? आखिर कब उस अधिकारी पे कार्रवाई होगी और कब उस अधिकारी पे जांच का टीम का गठन होगा और उसे दंडित किया जाएगा, क्योंकि गरीब बच्चे की मृत्यु हुई है? अगर अमीर का बच्चा मरता तो क्या होता? तब क्या होता है? इसके लिए बहुत ज्यादा पहले होता, गड्ढा उड्ढा भरा जाता, अभी भी भरा जाता, अब इससे पहले देखभाल भी होता। सुने हैं सत्संग होने वाला भी है? हाँ, होने वाला, जय गुरुदेव वाला। तो क्या लग रहा है, गड्ढा सब भरा पाएगा? नहीं, उससे तो पहले भराना चाहिए, लेकिन मरने के बाद भरा रहा है तो मरने के बाद भरा रहा है, सोचिए कितना गलत काम हुआ है। ये खनन विभाग वाला के फोन करता था ग्रामीण वाला, ये गड्ढा के बारे में, उस गड्ढे के बारे में, तो बोलता था अरे यार कभी भी नहीं आता था, नहीं आता था। हाँ, हम लोग स्वयं फोन किए एक बार, मतलब फोन करते थे अधिकारी को, नहीं आता किए थे उनको वहाँ पर से, हम 10 महीने लगा था फोन किए थे, नहीं आया था। तो क्या लग रहा है, क्यों नहीं आता था? इसके वो मारे पहले से क्या लगा देखने के लिए, वो मैंने माल पानी लेके पहले भर गया वहाँ पर, कहा यहाँ आएगा? उसका बच्चा नहीं मर रहा है? उसका बच्चा तो कोई बीवी ने बच्चा से कोई मर जाए, परिवार ही नहीं कोई मर रहा है, मर रहा है नॉर्मल परिवार का बच्चा, तो उसके लिए थोड़ा सा फर्क पड़ता है, उसका पॉकेट गर्म होना चाहिए। कौन ठेकेदार था? ठेकेदार था सकलदीप बिन, हम उसको उसी खाली नाम जानते हैं, और नाम बाकी नाम सबको नहीं जानते हैं। मतलब सकलदेव बिन का ही ठेका था? हाँ, उसी का था, और कोई कोई आदमी हो उसमें, उसका आदमी हम नाम नहीं जानते हैं। मतलब और पार्टनर? हाँ, उसका पार्टनर था, ये हम जानते हैं पार्टनर था, लेकिन उसका नाम पूरा नहीं जानते हम। तो आखिर जो ठेकेदार है और जो पदाधिकारी है, चूंकि
जो भी तीन बच्चे की यहाँ पर मृत्यु हुई है जल में डूबने से, उसका जिम्मेदारी तो कोई ना कोई लेगा ही, क्योंकि ये कोई आकस्मिक निधन नहीं हुआ है। ये जानबूझकर बालू घाट पे बालू की जिस तरह से अवैध खनन की गई है और उसी खनन के कारण तीन बच्चे की मृत्यु हुई है। तो आखिर कब कार्रवाई होगी वो बालू माफिया पे? आखिर कौन है वो बालू माफिया जो नियम को ताक पे रख करके और खनन पदाधिकारियों से मिलकर के यहाँ पर दर्जनों फीट गहरी खाई खोदता है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? फिलहाल आप देख रहे हैं केटी भारत, कुणाल कुमार साहब, देखते रहिए। जय हिंद।